हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। दोस्तों, आज पूरे 4 महीने बाद आप सबके सामने हम बाहर निकले हैं और मतलब यार इतना मज़ा आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है आज कि यार इतने दिनों बाद आप सबके लेटेस्ट कमेंट्स आएंगे और मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और मतलब आज ना अभी लंच टाइम हो रहा है और 4 महीने बाद हम निकले हैं, तो मेरा ना लिटरली बहुत मन कर रहा था कि मैं अपने फेवरेट जगह के राजमा चावल खाऊँ, तो इसलिए मैं पहुँच चुका हूँ सिविल लाइन्स, आप देख सकते हैं, मंजीत जी के पास। दोस्तों, यहाँ की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था पिछली बार भी जब मैं यहाँ पे आया था, तो इस बार भी हम यहाँ के राजमा चावल और कढ़ी चावल खाने वाले हैं और देखेंगे ज़रा कि क्या चेंजमेंट आया है कोविड की वजह से, यहाँ पे क्या क्या चेंजमेंट आई है। जैसे कि जो मुझे सबसे पहले लगा कि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, मतलब कवर करना लिटरली मुश्किल था। अभी फ़िलहाल भीड़ कम है, बट मंजीत जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या चेंज आया है और खाएँगे आगे खाना, आइए। तो दोस्तों, मंजीत जी से हम पहले भी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, बट इस बार बात करते हैं कि क्या कोरोना की वजह से क्या क्या चेंजमेंट आई है इनकी बिक्री में, इनकी हर चीज़ में, आइए पता करते हैं। तो नमस्ते मंजीत जी। नमस्ते। तो सर, आप ये बताइए कि मतलब कोरोना की वजह से क्या क्या चेंजमेंट आप लाए हैं अपनी शॉप में? चेंज तो ये जी, कोरोना की वजह से लोगों में डर बैठा हुआ बाहर का खाने पीने का। जी सर। लेकिन जैसे जैसे केस कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे काम बढ़ता जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर। तो शुरुआत में तो कम ही था काम, रुपए में से 20 पैसे 30 पैसे, लेकिन अभी 50-60% काम अच्छा हो गया। जी सर, बढ़ गया। तो आपने कब से स्टार्ट करा, मतलब उसकी वजह? हमने कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला था उसके बाद 9 जून से दोबारा स्टार्ट करा। 9 जून से? हाँ जी। ओके। और भीड़ में कुछ कम या ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा? स्टार्टिंग में पड़ा था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, केस कम होते जा रहे हैं, लोगों में डर खत्म होता जा रहा है। जी सर। और अब ऐसी बात है, कस्टमर दोबारा आना मार्केट में शुरू हो। अच्छा, बाकी मतलब दोबारा स्टेबल हो रहा है काम? और सब टाइम बाद ये लगा लो 1-1.5 महीने बाद दोबारा जो है फुल फ्लैश काम हो जाएगा। जी सर। तो अभी जी सर, सर आपके खाना बनाने और सर्व करने के तरीके में क्या क्या चेंज आया सर? सर्व करने के तरीके में ये है जी कि सर तो वही है जैसे जैसे पहले था जी। लेकिन अब ये है कि थोड़ा डिस्टेंस यूज़ करते हैं हम। जी सर। कि थोड़ा, और जैसे ही हम किसी से पैसे लेते हैं उसको सैनिटाइज करते हैं जी, ठीक है। और सर्व करने से पहले हम कस्टमर के हैंड सैनिटाइज करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बीच में इंक्लूड करी। क्या बात है दोस्तों। और दोस्तों, ये लिटरली ना ये मेरी बेस्ट जगह है राजमा चावल के लिए। आप कभी भी आइए दोपहर में, यहाँ के राजमा चावल ना मतलब आप खा लीजिए, आपका कहीं और जाने का मन नहीं करने वाला। आप देख सकते हैं ये रहा यहाँ बोर्ड, और यहाँ पे स्पेशल हमारा यही था कि यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो लहसुन और प्याज के बिना बनाई जाती है। तो कोई भी आ सकता है, हमारा दोस्त जो भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करता हो घर पे, वो यहाँ खा सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं, रेट लिस्ट तो पूरी है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं जो चेंज आया है, 10 रुपये सर ने बढ़ाए हैं एक्स्ट्रा, जो कि सर ने बताया कि लॉकडाउन से पहले ही बढ़ गए थे, जो कि एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। आई मीन 40 रुपीज़ में हाफ प्लेट, जिसमें आपका पेट भर जाए उतना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं आके गर्मा गर्म राजमा और कढ़ी, आइए। तो दोस्तों, ये है यहाँ का मतलब जो बेस्ट मुझे लगता है राजमा। यार आप देख सकते हो, काश कोई ऐसा फीचर आ जाए जिसमें आप मतलब स्मेल कर सकते हैं फ़ोन से, आप इसी टाइम आ जाते हैं यहाँ पे। भाई गर्मा गर्म राजमा सर, एक बार थोड़ा चला के दिखाओ पिक्चर अंदर से। अरे भाई क्या बात है, गाढ़े राजमा पंजाबी देसी स्टाइल। ये देखिए, वाह भाई वाह, क्या बात है सर, क्या खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। अब आते हैं दोस्तों, ये देखिए गाढ़े राजमा बिल्कुल। अब कढ़ी पे आते हैं, चलिए ये देखिए कढ़ी। और यहाँ पे कढ़ी दोस्तों जो मैंने पिछली बार खाई थी, मुझे अब तक स्वाद अभी तक याद है लिटरली, मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है, दही की बिल्कुल फ्रेश दही की कढ़ी जो होती है ना, बिल्कुल हल्का सा खट्टापन, बहुत बढ़िया लग रही थी वो। सारी पकौड़े, क्या बात है सर, बहुत। ये सर पालक के पकौड़े? हाँ जी। अच्छा, क्या बात है। और छोले भी होंगे सर अभी? ये छोले नहीं। अच्छा, अब यही दोनों चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें यही खाना था आज। बाकी इसमें कैसे चावल? राइस। अच्छा राइस, चलो आपको राइस भी दिखाते हैं दोस्तों आगे। ये देखिए तो सर, राइस में कुछ जीरा वगैरह ऐड किया? नॉर्मल प्लेन जीरा, सोयाबीन है। जीरा सोयाबीन, अच्छा। काली मिर्च लौंग? काली मिर्च लौंग, अच्छा। वही पिछला सब वही सेम सर? अच्छा।
ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। और सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी, एक बार सर के पीछे आप शर्ट देखिए, मतलब बढ़िया प्रमोशन हो रहा है सर आपका। जो भी देखिए, वीर जी रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट तू भी आ जा। तो चलिए दोस्तों, अब खाते हैं हम भी और बताते हैं टेस्ट कैसे। तो दोस्तों आइए पहले कस्टमर रिव्यूज लेते हैं, और मैंने जानबूझ के ऐसे कस्टमर सेलेक्ट करे आपके लिए जो लॉकडाउन से पहले से यहाँ पे आ रहे हो, ताकि हमें पता चले कि यार ऐसी क्या बात है जो इस टाइम पे भी यहाँ पे आके खाना खा रहे हैं। तो नमस्ते अंकल जी। सर आपका नाम क्या है? भारत भूषण। भारत भूषण। तो भूषण जी आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? जो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 10-12 साल हो गए। अच्छा, 10-12 साल। सर आपकी फेवरेट आइटम क्या है यहाँ पे? दोनों ही है, राजमा चावल भी और प्लस कड़ी चावल। कड़ी चावल ही। सर आपने कड़ी ले रखी है, मैंने देखा अभी। तो सर आप मुझे ये बताइए, मतलब इतना क्या है इनके खाने में जो आप लॉकडाउन, मतलब इस टाइम पे जब कोई बाहर का खाना नहीं खा रहा, उस टाइम भी आप यहाँ पे आके खा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो खैर थोड़ा नॉर्मल हो गया है जी। बाकी ये है कि खाने में टेस्ट है, साफ़ सफाई है यहाँ पे, सब कुछ है, ऐसी कोई बात मतलब नहीं है। पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, पूरा ट्रस्ट, पूरा विश्वास है इन पे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। और बाकी ये भी हमें जानते हैं पुराने टाइम से, हम भी जानते हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, और खाने में बेहतरीन वो क्वालिटी है जी सर, तो इसलिए हम पसंद यहीं करते हैं आना। बाकी तो बहुत वेडिया लगी हुई है, कहीं नहीं जाते, नहीं आते बस, इसलिए पसंद है यहाँ का खाना। अच्छा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब यार अगर कस्टमर रोज़ आने लग जाए दुकान पे, तो एक कनेक्शन सा बन जाता है, फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है वो, तो जैसा मैंने देखा काफ़ी दुकानों पे। अब चलिए यार, भूख तो मुझे भी बड़ी तेज़ लग रही है, कुछ खाते हैं यहाँ पे और देखते हैं वही वाला पुराना स्वाद जो आएगा हमें। आइए। तो दोस्तों ये हमें हमारा छोटा भाई मिला है यहाँ पे, और इस भाई ने हमें बोला कि यार मेरा राजमा चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। तो दोस्तों मैंने पैसे डोनेट ना करके सीधा राजमा चावल की प्लेट ही दिला दी। तो मैं आप सबसे यही चाहता हूँ कि पैसे डोनेट कम करके कॉन्टैक्टलेस भी डिलीवरी सही रहेगी, और कॉन्टैक्टलेस भी होगा और आप पेट भी भर पाएंगे दूसरों का, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो भैया पहले मुझे ये बताइए, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? पहले तो ये बताइए, मास्क तो पहनोगे है ना? मास्क पहनना, मेरे पास भी एक्स्ट्रा नहीं, पर मैं दे देता आपको। मास्क पहन के चलो, और स्कूल वगैरह जाते हो? तो अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन है, तो इसके बाद जब खुल जाए स्कूल वगैरह, तो स्कूल भी ज़रूर स्टार्ट करना, ठीक है? अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, और फैमिली का ध्यान रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे ना, ऐसे फिर हो नहीं पाएगा कुछ। पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, ठीक है? और राजमा चावल खाओ और बताओ ज़रा। मुझे तो भाई बहुत ही पसंद आया यहाँ के राजमा चावल, मंजीत जी के ना मेरे फेवरेट राजमा चावल है, सच बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ के राजमा चावल तो किसी को भी पसंद आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। तो दोस्तों अब देख रहे हैं, अब हमारे राजमा चावल और कड़ी चावल डलेंगे हाफ हाफ। ये देखिए चावल डल गया, क्या बात है। और इधर आप देखेंगे भाई गर्मा गर्म हमारे ग्रेवी वाले राजमा, गाढ़े गाढ़े, देख क्या बात है भाई, बहुत भूख लग रही है आज मेरे को, खुशबू से भूख डबल हो गई है। और आप देखेंगे ऊपर मसाले और चटनी जैसी डलती थी, सारे प्याज, टिशू, और ऊपर इनका मसाला, चटनी पहले की तरह वही पुदीने और धनिया वाली, गर्मी में बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी। ये देखिए इधर तो आ गए हमारे राजमा चावल, और उधर डल रहे हैं हमारे कड़ी चावल। वो देखिए चावल डल गए हमारे, कड़ी आप आधी कड़ी भी ले सकते हो राजमा इसमें ही। अच्छा सही है सर, एक कड़ी पकौड़ा ऊपर से राजमा दे देना भैया, और ये ऊपर से प्याज, इसमें ऊपर से मसाला, और ये आ गया टिश्यू के साथ, स्पून के साथ, बिल्कुल बड़े प्यार से साफ सुथरे तरीके से। ये देखिए तो यम्मी तो लगी रहे है ना, पर आपको भी यार मुंह में पानी आ गया होगा देखकर। पर अभी तो आपके मुंह में और पानी लाना है इसका एक बढ़िया सा थंबनेल बना के, जिसके लिए हमें एक फ़ोटोशूट करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे फ़ोटोशूट के बाद। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे कड़ी चावल राजमा चावल दोनों आ चुके हैं, और दोनों ऊपर से मसाले ऐसे भरे पड़े हैं, प्याज, हरी चटनी, इधर हरी चटनी नहीं डाली क्योंकि फिर सर ने कहा कि कड़ी के साथ टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता हरी चटनी का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बट हरी चटनी का फ़ायदा दोस्तों हमें गर्मियों में मिलने वाला है पूरा, क्योंकि गर्मियों में यार ये चटनी जो पुदीने की होती है ना, धनिया की, मतलब डाइजेशन के लिए तो काम करती है, साथ में पेट को ठंडा भी रखती है। तो चलिए, रखने की जगह हमने इसलिए नहीं रखा भाई, थोड़ा सेफ्टी का चक्कर के कहीं साइकिल पे रखे तो कुछ सीन ना हो, इसलिए मैंने मुनीश के हाथ में दे दिया। राजमा चावल से मैं टेस्ट करता हूँ, फिर मैं उठाऊँगा कड़ी चावल। आइए। तो यहाँ के राजमा चावल की खूबी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ के राजमा चावल की जो ग्रेवी है ना, ये ऊपर ऊपर से डालते हैं, बट उसके बाद भी अंदर तक चावल में आप देखेंगे मतलब पूरा मिक्स हो जाती है ग्रेवी के साथ। तो इतनी गाढ़ी इनकी ग्रेवी है, इतनी अंदर तक, सिर्फ पानी पानी नहीं है, पूरा अच्छी तरह मिक्स है। और जैसे कि सर ने हमें प्रिपरेशन बताया था यहाँ का, 8 घंटे तक ये पानी में रखते हैं, जो कि पंजाबी देसी स्टाइल राजमा होते हैं वैसे रखने वाला। आइए अब टेस्ट करते हैं।
गर्मा गर्म राजमा चावल। ओ भाई भाई मज़ा आ गया, पहले की तरह मसाला हल्का सा ज़्यादा है, जो कि पंजाबी स्टाइल में होता ही है। हल्का सा पंजाबी जो हमारे भाई बहन है थोड़ा ज़्यादा मसाला खाते हैं, मुझे पता चलता है यहाँ पे। बाकी भी जगह मैंने बहुत जगह पूछा है चीज़, प्याज के साथ लेते हैं। दोस्तों किसी भी टाइम आ जाओ, यहाँ के राजमा चावल आप खा लो, कितना ही आपका पेट भरा हो, इस राजमा चावल से ना आप इनकार नहीं कर पाओगे, इतने टेस्टी हैं, बहुत बढ़िया भाई। एक चम्मच और ले लो यार, मन कर रहा है मेरा, बाद में खा लेंगे दोनों मिलकर। वाह आज आप कड़ी खाते हैं, चम्मच में झूठी नहीं कर रहा, मैं ये ले रहा हूँ उससे लियो, पकड़ राजमा पकड़ ले। अब ये देखिए यहाँ का कड़ी पकौड़ा, दोस्तों पकौड़ा आप देखते हैं यहाँ का, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अगर प्लास्टिक के चम्मच से इतनी आसानी से पकौड़ा टूट जाए तो आप सॉफ्टनेस पता कर सकते हैं उस पकौड़े की। आइए ये देखिए मेथी के दाने भी ऊपर, खट्टी कड़ी, खट्टी दही की जो कड़ी बनती है ना, मसाला जो है ना ऊपर से डाल रखे एक अलग ही टच दे रहा है इसको। भाई मुनीष मज़ा आ जाएगा दोबारा खा के खाना, देख सकते हैं हम दोस्तों किसी भी चीज़ में कमी नहीं है। हाँ बट मुझे दुख पता है किस बात का, वो है यहाँ पे रायता भी अवेलेबल नहीं है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है यहाँ का। जो यहाँ पे मंजीत जी रायता में डाल के देते हैं ना, ऊपर से मसाला खुद हाथों से मिला कर देते हैं, वो जो प्यार झलकता है ना उस चीज़ में अलग ही है यार। यहाँ पर खाने का मज़ा आपको आने वाला है, क्योंकि ये दिल से खाना खिलाते हैं दोस्तों, आपको पता चल जाएगा अगर आप एक बार यहाँ पर आते हैं तो। खाने में मुझे कोई कमी नहीं लगी, राजमा कंपेरेटिवली ज़्यादा गर्म है, अभी उनको खाने में थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। कड़ी नॉर्मल है, अभी आप खा सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है कड़ी। बाकी रेट मुझे लगता है 40 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, कुछ कमी नहीं लग रही मुझे खाने में। पैकिंग भी अवेलेबल है यहाँ पे, पार्किंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ऐसे ही पार्क करनी पड़ेगी। एड्रेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ का जो एड्रेस था डिस्क्रिप्शन में दोबारा एड्रेस चल जाएगा, सिविल लाइन्स में है ये, और सामने ही हमारा संत परमानंद हॉस्पिटल सिविल लाइन्स में। तो ये इसका कंप्लीट एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर इनका मिल जाएगा। तो खाते हैं हम दोनों, फिनिश करते हैं, मिलता है फिर आपसे एक बहुत अच्छी वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।